दोस्तों, जैसे कि कल के वीडियो में हमने देखा था कि मार्केट जो है आज बुलिश रहनी चाहिए थी डाटा को देख के, लेकिन साथ ही एक बात मैं बोलता हूं कि लाइव मार्केट में डाटा जो है वह फ्रीक्वेंट चेंज होता है, तो लाइव मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसी हिसाब से पोजीशन बनानी पड़ती है। अब कल कैसा दिन रहने वाला है देख लो, मैंने ब्लैक कलर डाला है, शायद ब्लैक फ्राइडे आज जैसे यूएस मार्केट्स आज जो है रुझान दे रही हैं रुझान इलेक्शन आने से पहले जैसे रुझान होते हैं, वैसे ही यूएस मार्केट ने रुझान देने शुरू कर दिए हैं कि कल हमारी मार्केट जो है ब्लैक फ्राइडे मनाएगी। एनी हो, देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है, कैसे करेगी। अब जो दोस्त मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हैं, जैसे ही मार्केट खुली, क्योंकि मार्केट बुलिश थी तो 10,100 के स्ट्राइक पे क्या हो गया, कॉल्स पे ओपन इंटरेस्ट डबल हो गया और पुट जो था वो आधा रह गया, 31 लाख से ज्यादा। मैंने टेलीग्राम पे मेंशन भी किया कि कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट जबरदस्त इंक्रीज हो गया और पुट्स का जो है वो तकरीबन 15-16 लाख था। और मार्केट ने क्या किया, दोबारा 10,100 को क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं की इतना ज्यादा, और सारा दिन क्या है नीचे नीचे आती गई। और कहीं ना कहीं जो मैंने व्यू दिया था 9,940, 10,020, तो आज जो है 9,940 का जो है वो लोअर एंड जो है उसने टच किया। अब मार्केट कल कैसे करेगी, वैसे तो अभी SGX निफ्टी और डाउ जॉन्स को देख के लग रहा है कि करना तो बुरा ही चाहिए। अब हमारे यहां क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, अगर गैप डाउन होगी तो फिर हमें कैसे ट्रेड लेना है, क्या करना है, उस पर हम नजर डालते हैं। अगर एक बार आप जो है ये डाटा देखिए, आज नेट डाटा क्या बना, हम नेट डाटा पे बात करते हैं क्योंकि एक्सपायरी मूव की वजह से जो पोजीशन का डाटा है वो खत्म हो जाता है, तो मैं नेट डाटा पे आपके साथ शेयर करता हूं। आज वीडियो जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं। तो क्लाइंट्स के पास तकरीबन 6,145 कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनस में है इंडेक्स फ्यूचर के। DIIs अभी भी लॉन्ग पे है, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। FIIs 1,900 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आज इन्होंने अब सारे फ्यूचर जो है मैक्सिमम खत्म कर दिए, अब तकरीबन सिर्फ 2,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। और प्रॉस ने भी अपने पोजीशन थोड़ी सी और कम करी है, 12,000 से कम होके अब ये 9,889 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं इनके पास माइनस में। क्लाइंट्स ने क्या किया, कॉल राइट की है, नेट पोजीशन में आज इनके पास -22,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। DIIs कोई चेंज नहीं है। FIIs ने हल्के से अपने जो है आज कॉल्स में प्रॉफिट बुकिंग की है, 70,000 के बदले आप इनके पास 52,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। और प्रॉस के पास 35,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनस में है। क्लाइंट्स ने देखिए क्या किया, फिर इन्होंने अपना जलवा दिखा दिया, 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट आज इन्होंने क्या कर दिया, पुट बेच के गए हैं घर को। DIIs ने 71,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं पुट में। FIIs 53,000 से बढ़ के 83,000 के लगभग कॉन्ट्रैक्ट हो गए इनके पास। और प्रॉस के पास 1,07,000 से कम होके -37,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गया। वही स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट्स ने आज भी कुछ पोजीशन अपनी हल्की की हैं, 1,97,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। DIIs 8,47,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस में है। FIIs 6,14,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी बाय में है। और प्रॉस के पास 31,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टॉक फ्यूचर बाय में है। अब एक बार इस डाटा पे नजर मारिए, ऑप्शन चेन से जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे रहने वाली है। 10,000 के लेवल पे पुट पे 6,04,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 9,900 पे 7,75,000 का, 9,800 पे 8 लाख का, 97 पे 683 का, और 9,500 पे तकरीबन 11,60,000 के लगभग ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी अगर ये सारी टूटती हैं स्पोर्ट्स 97-96 जो, क्योंकि हालांकि ये भी हल्की हल्की स्पोर्ट थी, जो अच्छी स्पोर्ट है वो 9,500 के लेवल पे नजर आ रही है। तो अगर ये 97-98 सारी टूटती हैं तो मार्केट कहीं 9,500 पे स्पोर्ट लेती हुई नजर आएगी। वहीं 10,000 पे हालांकि 9,900 पे जो है काल में तकरीबन 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और 10,000 पे 9,90,000 का, 10,100 पे 10,62,000 का। तो ये सारी क्या है, ऊपर वाली तरफ अभी रेजिस्टेंस का काम करेंगी। 10,100 पे काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है 10,62,000 का, 10,200 पे है 10,34,000 का, 10,300 पे है 10,58,000 का। तो ये सारी जो है अभी रेजिस्टेंस का काम करेंगी। या तो मेजर गैप अप होता तो
ये उसमें कट सकती थी। अभी क्या गैप डाउन होगा तो ये हल्के हल्के अगर मार्केट ऊपर की तरफ आई तो ये आने वाले वीक में मुश्किल हो जाएगा इसको पार करना। लेकिन देखते हैं बिग प्लेयर्स के दिमाग में क्या गेम चल रही है, वो कैसे गेम को बनाते हैं। अब एक बार बैंक निफ्टी का डाटा देख लीजिए, 20,500 पे 1,60,000 का ओपन, 1,16,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 20,000 पे 1,93,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 19,500 पे 2,78,000 का ओपन इंटरेस्ट है। अगर गैप डाउन में 19,000 भी कटता है, जहां से आज हमने क्लोजिंग की है, अगर वो नीचे की तरफ खुलता है 19,000 का कटता है तो आगे जो है सॉरी 20,000 कटता है तो 19,500 पे आपको क्या मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। वही रेजिस्टेंस कहां पे है, पहली रेजिस्टेंस तो 21,000 पे ही है जहां 2,16,000 का ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 21,500 पे 2,29,000 का ओपन इंटरेस्ट है। अभी ये तो हो गया डाटा पॉइंट और टेक्निकल, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मार्केट का व्यू क्या बन रहा है, आज इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों व्यू ये है कि अब आप दो चीजें नोट करिए यहां पे कि 6,00,000 से ज्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर के एफआईआई के पास पड़े हैं। अगर मेजर गैप डाउन होता है तो उनको काफी बड़ा लॉस होने की संभावना है, वो 6,00,000 कॉन्ट्रैक्ट, यस 6,00,000 स्टॉक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो अगर 5-5, 10-10% भी गैप डाउन होता है उनके रेटों से या जहां पे उन्होंने होल्ड किए हैं पिछले कुछ दिनों से, जो वो क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो उन्होंने ऊपर के रेट पे खरीदे होंगे, तो अगर गैप डाउन में जो उनको एम टू एम लॉस होगा तो वो काफी ह्यूज है। तो एक बार वो कोशिश करेंगे कि ये मार्केट को ऊपर लाने की ताकि वहां पे वो अपना माल निकाल सकें। दूसरा सिनेरियो, मंथली पे 10,000 की पुट पे काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, अभी तकरीबन 23,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये जो मंथली के जो राइटर्स हैं वो भी कोशिश करेंगे कि मार्केट को एक बार ऊपर की तरफ लाया जाए ताकि वहां पे वो अपनी पोजीशंस निकाल सके और उनको कम से कम लॉस हो। तो अब आपने लाइव मार्केट में ये देखना है कि मंथली पे क्या हलचल होती है, क्या मंथली पे पोजीशंस कवर हो रही हैं या मंथली पे कैसे चेंज हो रहा है ओपन इंटरेस्ट में। अगर तो वहां पे पोजीशंस कवर करते हुए नजर आए तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, और अगर मंथली पे हलचल नहीं हुई ज्यादा तो ऐसा संभावना है मेरे हिसाब से मार्केट को ये जो बिग प्लेयर्स हैं जो जिन्होंने 10,000 के लेवल पे मंथली राइटिंग की हुई है पुट पे, वो मार्केट को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे ताकि वहां से वो अपनी पोजीशन जो है नो प्रॉफिट नो लॉस में ही निकाल सके। तो आप इस पे नजर रखना लाइव मार्केट में कि कैसे होता है, कैसे डाटा चेंज करता है। कल तकरीबन पहले 15 मिनट या आधा घंटा मार्केट को देखना, वॉच करना कि मार्केट क्या दिखाती है, कैसे दिखाती है, ओपन होने के बाद नीचे आती है या नीचे थोड़ी देर के लिए टिकती है, क्योंकि उसके बाद कल एक इंपॉर्टेंट रूलिंग भी है सुप्रीम कोर्ट की बैंक की मॉरिटोरियम पे, अगर उस पर कोई नेगेटिव खबर आती है तो कल बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपना ट्रेड बनाइएगा, उम्मीद करता हूं कि आपको जो है प्रॉफिट हो। आफ्टर मार्केट, मैंने आज अपने टेलीग्राम पे एक स्नैपशॉट लिया था कि आज कैसे गेम हुई है और मैंने उसका जो है एक्सप्लेन भी किया था, तो जो मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं उनको वो समझ में आ गया होगा कि आज कैसे पूरी की पूरी गेम जो है वो मैनिपुलेट की गई और कैसे जो है बिग प्लेयर्स ने सारी मूव को देखा। और सारा जो है इसका कल्प्रिट कौन है, यूएस मार्केट्स, नहीं तो आज हमने काफी अच्छी जो है बढ़त लेके बंद होना था। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं एनालिसिस खत्म करता हूं, उम्मीद है कि आपको जरूर इस एनालिसिस से कोई फायदा हो। अच्छा लगे तो अब लाइक भी नहीं बोल सकता, लाइक कौन करेगा जब सभी आज कार लेके गए होंगे तो मार्केट ने तो कल धोखा दे देना है। तो जब अच्छे दिन आएंगे फिर लाइक करने के लिए बोलेंगे, तब तक नमस्कार।